हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि स्कूटी ईएस का एवरेज कैसे बढ़ाया जाए। काफ़ी सारे कमेंट्स जो है मुझे इस पे मिले थे वीडियो पर, तो एक भाई का कमेंट भी आया था। उन्होंने लिखा था कि मेरी स्कूटी का एवरेज बहुत ही कम दे रहा है, 25 के आसपास उनका जो है एवरेज जा रहा है। उनका 75 cc का इंजन है और स्कूटी ईएस नहीं है, उनकी है स्कूटी टीन्स करके एक स्कूटी आती है, वो वाली स्कूटी इनकी है। उनका बहुत माइलेज उस पर नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया। मैंने उनको बताया कि इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कीजिए। उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मैं आपको एक बार दिखा दूं उन्होंने क्या मैसेज किया था। ठीक है, एक सेकंड बस। हाँ, ये उन्होंने हाय लिखा था, हाय भाई, हेलो कौन, मेरी आपसे यूट्यूब कमेंट में बात हुई थी, मेरी 25 की एवरेज देती है स्कूटी। मैंने कहा हाँ जी बताइए। ओके भाई, सारी काफ़ी सारे बातें हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई मैं कल भेज दूंगा पिक, तो उन्होंने काफ़ी सारे जो हैं पिक्स अपनी स्कूटी के मुझे यहाँ पर भेजे हुए थे। आपको ये दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये वाली उनकी स्कूटी टीन्स थी, TVS की है ये भी। ठीक है, और इन्होंने ये वाला जो था मॉडल इसमें यहाँ पर दिखा था। ठीक है, और दूसरी चीज़, इन्होंने काफ़ी सारे अपने कार्बोरेटर के भी, ये 4 स्ट्रोक नहीं थी स्कूटी, ये 2 स्ट्रोक ही स्कूटी थी। यहाँ पर अगर आपको जूम करके मैं दिखाऊं तो ये देखो, आपको यहाँ पर एक फ्यूल का फिल्टर भी दिख रहा होगा। काफ़ी सारी बातें होने के बाद में मैंने इनका कहा, इनको बोला कि मैं आपकी प्रॉब्लम के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इन भाई का नाम क्या था, एक सेकेंड, जयपाल धाबी, जयपाल धाबी करके इनका नाम था। तो इन भाई के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी सारे और भी लोग होंगे जिनकी ये समस्या होगी, उनकी भी समस्या इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। तो वीडियो करते हैं शुरू, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आप सबका सपोर्ट की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे सब्सक्राइबरों की बहुत ज़रूरत है। हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, यार आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, और आपके सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस मैं दे पाऊँगा। क्योंकि बस कर दो यार सब्सक्राइब, मुझे नहीं पता जो भी वीडियो देख के आ रहा है बस करके जाना सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो करते हैं शुरू। तो यार, एवरेज बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है मैं भी आपको बताता हूँ। हमारे जयपाल भाई जिन्होंने हमें कमेंट किया था, उनकी समस्या ये थी कि उनकी जो स्कूटी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम एवरेज दे रही है, उनको 20 से 25 का एवरेज दे रही है मात्र, जबकि उनका इंजन जो है 75 cc का है। ठीक है, उसके बाद भी बहुत ही कम एवरेज दे रही है। तो यहाँ पर जो मेरे पास में अभी आप देख रहे हैं, ये है स्कूटी का बैक पोर्शन, पिछला वाला ये इसका फ्रेम जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ से मैंने पूरा इसका जो इंजन है निकाल लिया है, ये वायरें हैं एक्सलेटर वगैरह की, और ये बैक पीछे का ब्रेक का तार। ठीक है, और ये वाला जो इंजन इसका पीछे का निकला हुआ है, तो मैं इसी पर आपको बताऊंगा कि एवरेज कैसे सेट करना है आपको अपनी स्कूटी का। पूरा खुला हुआ ऐसा लग रहा है, इसमें आपको देखने में भी आसानी रहेगी। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर ये होता है हमारा कार्बोरेटर। ठीक है, पहली सेटिंग कार्बोरेटर में करनी है, और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये फिल्टर जो कंपनी की तरफ से फिटेड होता है वो नहीं है, ये बॉक्स वही है जिसके साथ में आता है, लेकिन इसके अंदर जो फोम रहती है वो मैंने चेंज कर दी है। मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ कि इसमें कैसी है। तो यार ये देखो, ये मैंने इसका ढक्कन जो है खोल लिया है, 4 पेच रहते हैं, 4 पेच खोलते ही ये ढक्कन आपको खुल जाएगा, ये प्लास्टिक चीज को हटा दो। अब ये फोम जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो फोम है ये इसकी वो फोम नहीं है जो ओरिजिनल आती है उसके साथ में, जो कंपनी लगा के देती है, ये वो फोम नहीं है। ये मैंने एवरेज बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से फोम लगाई हुई है। ठीक है, इससे मुझे बहुत ही अच्छा एवरेज मिल जाता है। और ये फोम वो है जो मेरे पुराने सोफ़ा ख़राब हुआ था, सोफे की गद्दी में से ये फोम जो है निकली थी, मैंने उसमें से निकाल करके इसमें लगा दी थी। और ये इसको फोम को एक बार लगाने से पहले ना, डायरेक्ट फोम मत लगाइए, एक बार इसको पेट्रोल से धुल लीजिएगा, उसके बाद में किसी तरीके की कोई भी फोम जो सोफ़ा या बेड के गद्दे में लगी रहती है, उस फोम को पेट्रोल से धुलने के बाद एक बार तब उसको लगाइएगा उसमें अपने फिल्टर में। ठीक है, इस तरीके की ये फोम है, मैंने आपको दिखा दी। अब इसको मैं वापस इसमें लगा देता हूँ। ठीक है,
दूसरी चीज क्या करनी है आपको? अब देखो यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, ये मैंने एक कपड़ा लगाया हुआ है फिल्टर के पास, इसको मैं खोल के दिखा दूँ एक बार। ये फिल्टर से अगर ज़्यादा हवा या उसको अगर स्क्रू जो है मैनेज नहीं कर पा रहा है हवा और फ्यूल, तो हम इस तरीके का कपड़ा लगा करके भी काम चलाते हैं। ये कपड़ा मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं यहीं रख देता हूँ अभी। अब देखो ये है आपका कार्बोरेटर, कार्बोरेटर में क्या सेटिंग करनी है एवरेज बढ़ाने के लिए। ये वाला जो आपको स्क्रू दिख रहा है ना, ये वाला होता है हवा और फ्यूल का मिक्सचर अंदर इनटेक करने वाला, ठीक है। इस फ्यूल की हेल्प से हम इसको सेट करते हैं कि हवा और कितनी हवा और कितना फ्यूल जो है इसके अंदर भेजना है। ये दो चीज़ें जो मेन रहती हैं आपकी, इसमें से फ्यूल अंदर जाता है, ये फ्यूल का पाइप लगता है इसमें। अब ये वाली जो चीज़ है आपको कब सेट करना है यहाँ पर, ये वाले इसको पहले तो आपका जो लगा हुआ है जो रेस आपकी बड़ी हुई है इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे घुमा के यूँ, ठीक है। और ये काम आपको जो एवरेज सेटिंग वाला काम है वो आपको तब करना है जब आपका इंजन गर्म हो, या आप कहीं से आए हो गाड़ी को चला के आए हो तो इंजन थोड़ा गर्म रहता है ना, उस टाइम पे आपको ये काम करना है, ठीक है। अब ये वाला जो स्क्रू है इसको पूरा कस देंगे पहले। सबसे पहले क्या करना है आपको, पूरा कस देना है ये वाला स्क्रू, ठीक है। अब कंपनी क्या कहती है मैं आपको बताऊं, मेरा वो वाला पेच इसमें पेच कस लग नहीं रहा था तो मैं दूसरा ले आया, इसको पूरा कस देंगे अंदर तक, ठीक है। दिख रहा है आपको कैमरे में, ये पूरा कस दिया है मैंने, और पास से दिखाऊं, अब देखो ये वाला पूरा कस दिया है मैंने अंदर, लाइट जला दी है ताकि आपको क्लियर दिख जाए, ये वाला पूरा कस दिया अंदर। कंपनी क्या कहती है, अब पूरा कसने के बाद में इस वाले स्क्रू को आपको 1.5 बार घुमाना है, मतलब यहाँ से ये हो गया 1 और ये हो गया 1.5, मतलब आपको लगभग इस स्क्रू को यहाँ रखना होता है, इस पोजीशन में रखना होता है। लेकिन हमने कही भैया कंपनी से कि हम तो इसको ऐसे नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, अब आपको करना है इंजन स्टार्ट, ठीक है। मेरा भी इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको करना है इस पोजीशन में इंजन स्टार्ट। इंजन स्टार्ट करने के बाद में इसको थोड़ा सा हाई ही रखना है, जो कि मैंने कर दिया है, इसको थोड़ा सा तेज रखना है, इंजन तेज़ी से घूमना चाहिए बहुत। और जब इंजन तेज़ी से घूमेगा आपको अब इस वाले पोजीशन से इसको लूज़ करना है, यूं करके आपको कुछ इस तरीके से लूज़ करना है जहाँ पर आपके इंजन की आवाज़, मतलब इंजन का आरपीएम जो होगा सबसे तेज होगा, वहाँ पर आपको इस स्क्रू को यूं करके छोड़ देना है। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे आपके इंजन का आरपीएम बहुत तेज़ है और इंजन बहुत तेज़ से घूम रहा है और आपने दोबारा से इसको घुमाया, फिर इंजन की स्पीड अगर कम होने लगे हैं, इतना घुमाने पे घुमाने पे कम होने लगे अगर इंजन की स्पीड, तो आपने क्या करना है उसको वापस से यूँ घुमा करके वहीं पर सेट कर देना है जहाँ पर सबसे तेज़ घूम रहा था, जब ये स्क्रू जिस पोजीशन पे था और उस पोजीशन पे इंजन सबसे तेज़ घूम रहा था वहाँ पर आपको इसको सेट कर देना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतना सा काम आपको करना है, उसके बाद में आपका एवरेज जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। और फिर जब आपका ये वाला स्क्रू सेट हो जाए तो इसको वापस से अपना यूं करके लूज़ कर देंगे, ठीक है। और जहाँ पर हल्का सा आपको लगता है कि हाँ यहाँ तक रेस हमारी ठीक है, बहुत तेज़ नहीं चल रहा है, वहाँ पर इसको छोड़ देंगे जैसा पहले था। बस इतना सा काम आपको जो है करना है, आपकी स्कूटी का एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है। स्पार्क प्लग एक बहुत बड़ा काम करता है हमारे एवरेज के लिए। अगर स्पार्क प्लग गंदा रहेगा, आपका काला सा रहेगा, तो इंजन स्टार्ट करने में दिक्कत करेगा और फ्यूल को बर्न करने में दिक्कत देता है, और फ्यूल अगर बर्न नहीं होगा तो आपका एवरेज नहीं निकलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखो अब ये जो क्लच कटोरा होता है ना आपका, ये क्लच कटोरा जो होता है ये अगर आपका चुपक करके चल रहा है इससे, ठीक है, ये इसके अंदर जो क्लच शू रहते हैं वो उस पे नहीं छुल रहे हैं अच्छी तरीके से, मतलब क्लच कटोरी के साथ में पकड़ नहीं बना रहे हैं, तो आपका एवरेज अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ आपका बैक व्हील है ये बिल्कुल भी टाइट नहीं चलना चाहिए, एकदम फ्री चलना चाहिए। फ्री कैसे मैं आपको बताता हूँ एक बार, देखो इसको मैं अगर पीछे से यूं करके उठाऊं, ठीक है, और यूं करके एकदम फ्री चलना चाहिए ये,
ठीक है, इस तरीके से फ्री चलना चाहिए ये, बिल्कुल भी जाम नहीं चलना चाहिए पिछला टायर, तो आपका एवरेज सही मिलेगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आपके स्कूटी या बाइक जो भी आपके पास में अवेलेबल है उसके एवरेज पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। कार्बोरेटर और फिल्टर, ये दोनों चीजें मेन होती हैं आपके एवरेज को इंक्रीज करने में। बाकी सारी ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको क्लीन करके हमेशा रखनी होती है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो करना, लाइक। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।